अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए हम दो कलर में बना रहे हैं, तो देखिए ये मैंने ब्लाउज कट कर लिया है। मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिए इसकी जो लंबाई ली हमने 14 इंच ली है। देखिए हम चौथी साइज का बना रहे हैं, तो हमने 8.5 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। देखिए शोल्डर में 6 इंच ली है, मुंडी में भी 6 इंच ली है और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। और देखिए ये हमारा लाइनिंग है और हमारा ये ब्लाउज है, तो हमने लाइनिंग और ब्लाउज दोनों कट कर लिए। देखिए हम इसमें डिजाइन कट करेंगे। देखिए शोल्डर से 3.5 इंच में निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह, और इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। और देखिए इस तरह, देखिए इस तरह हमने कट कर लिया, इस तरह आएगा। देखिए जो हमारा कटिंग का बचा था, इसकी जो चौड़ाई है 3.5 इंच है। और इस तरह हम देखिए इस तरह जो ही हमने जो कट किया था बीच का, वो हमने 7 इंच किया था, तो वहां 7 इंच में निशान लगा रहे थे। और देखिए इस तरह हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, एक एक इंच दोनों साइड हम दबाएंगे। इस तरह हम निशान लगा लेते हैं। और ये इस तरह आएगा हमारे नीचे। देखिए ये दो कलर में कपड़े लिए, देखिए इस तरह हम इसे कट करेंगे इसमें से। देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे और इसकी चौड़ाई लेंगे वो भी हम 3 इंच लेंगे। इस तरह बॉक्स कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह बॉक्स बनाएंगे इसे। देखिए इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह मैं 3-3 इंच पे कट कर लेती हूँ इसमें से। और देखिए सेम हम गोल्डन में से भी कट करेंगे। कट कर लिए और इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे इसमें, इसे बॉक्स बना के। देखिए इस तरह हमने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया, इस तरह हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इसे। इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो हम 9 इंच लेंगे और जो इसकी लंबाई लेंगे वो हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरह हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह सिलाई लगाएंगे हम, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम इस तरह अंदर फोल्ड कर देंगे इसे हम। देखिए नीचे मैंने लाइनिंग रख ली है और ऊपर मैंने उल्टा इस तरह मैंने अपना ब्लाउज रख लिया है और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे इसमें स्ट्रेट। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह हम अंदर फोल्ड करेंगे इसे। देखिए इस तरह इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इसी तरह मैं दूसरे साइड का भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों तैयार कर लिए। देखिए जो हमने बीच का अपने पार्ट कट किया था इसे भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इस तरह हम पलटेंगे इसे भी और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी इसमें भी, ये भी हमारा तैयार हो गया है। देखिए जो हमने पट्टियां कट की थी इस तरह हम फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और जो हमारा खुला हुआ है वहां पर हम सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों तैयार कर लिए। देखिए इस तरह जो हमने ट्रायंगल तैयार किए इसे हम इस तरह रखेंगे, जो हमारा बंद हिस्सा है इस तरह हमारा बाहर जाएगा और इस तरह हम बीच में सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, जो हमारा हाफ पोजिशन इसे हम कट कर देते हैं। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिए और जो मैंने गोल्डन कलर के बनाए थे उसे हम इस तरह रखें इसके बीच में। देखिए इस तरह, और इस तरह हम बीच में सिलाई लगाएंगे इसके भी।
किस तरह में सिलाई लगा दी है, जो हमारी ये भी हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा है, इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया और ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है, इसे हम इस तरह लगाएंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी, इसी तरह मैं दूसरी साइड का भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों साइड लगा लिया है। अब हम गोल्डन जो कपड़ा लिया था हमने बीच में, वो हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। मैंने पलट लिया अंदर की साइड और देखिए जो हमारा ग्रीन कलर का कपड़ा था इस पर हम ज्वाइंट करेंगे इसे। देखिए इस तरह देखिए इससे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब हम बीच में इस तरह बीच हम गांठ मार देंगे धागे से, इस तरह हम फोल्ड कर देंगे इसे। इस तरह हम गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह हम बीच में रखेंगे इसे और इस तरह हम जो हमने इसमें एक इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह रखेंगे हम और इस तरह हम सिलाई लगा देते इसमें। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे और देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह हम नीचे फिनिशिंग देंगे और प्लेट डालेंगे इसमें हम। देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह हम ब्लाउज में अटैच करेंगे इसे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, हम इस तरह इसके ऊपर भी सिलाई लगा देते। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने फिनिशिंग दे दी इसमें, अब हम प्लेट डालेंगे इसमें। देखिए जहां में लेस लगाई है यहीं से हम 1/2 इंच छोड़ के इससे हम प्लेट डालेंगे इसमें, 3 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इस तरह मैं दूसरी प्लेट भी डाल लेती हूँ। देखिए हमने प्लेट भी डाल दी दोनों, देखिए हमने फिनिशिंग दे दी है और देखिए हमने ये बटन लिया है जो हम बीच में लगाएंगे इस तरह। देखिए मैंने बटन लगा दिया है, इस तरह हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी है, प्लेट भी डाल दी हमने दोनों और देखिए मैं यहाँ बटन भी लगा दिए, हमने ट्रायंगल भी लगा दिए। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।